वेलकम टू लूना ब्लू कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े ज़बरदस्त से कीमे वाले नान, और ये बड़े इजी हैं। सबसे पहले हम जो है रूम टेम्परेचर पानी ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ईस्ट, इसे हमने ऐड कर देना है, और इसके साथ ही चीनी है जो कि 2 टेबलस्पून, वो भी हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे। अच्छा, ईस्ट भी 2 टेबलस्पून था जो हमने डाला है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देना है हमने, ताकि इसके जो है ना लम्प्स ना बने। ओके, और इसको हम साइड पे कर देंगे। नेक्स्ट हम 8 कप मैदा लेंगे। अच्छा, इसके अलावा 2 अंडे जाएंगे इसमें, 1 कप दही जो कि रूम टेम्परेचर पे रहेगा, 2 कप जो है रूम टेम्परेचर पे दूध, 1.5 टेबलस्पून जो है इसमें नमक जाएगा, और 4 टेबलस्पून जो है कुकिंग ऑयल। नमक जो है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। चार टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, ये हमने इसको अच्छी तरह से ऐड कर देना है। जो दही जो है रूम टेम्परेचर पे है 1 कप, ये हम इसमें स्प्रेड कर देंगे। अंडे एंड में हम ईस्ट जो है जो हमने एक्टिव किया था अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा दूध हमने दो कप दूध था हमने थोड़ा थोड़ा इसमें डालते रहने। ये देखें सॉफ्ट कितनी है, अब इसकी कंसिस्टेंसी देखें। अब इसको हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने राइज होने के लिए रख देना है। इस तरह क्लिंग फिल्म लगा के और इसको अच्छी तरह कोई भी कपड़ा ले लें और इसमें इसको अच्छी तरह कवर कर दें, और इसको कहीं भी आप गर्म जगह पे रख दें। कीमे की फिलिंग के लिए अब हमने चॉपर को हमने रेडी कर लिया। इसमें हम सबसे पहले प्याज डालेंगे जो कि 1 प्याज दरमियान है, और इसमें ऐड कर 3 हरी मिर्चें, 4 से 5 लहसुन के जवे, 1 इंच अदरक जो है ये इसमें हम ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमने बेस बनाने के लिए ये चीज़ें पहले हमने इनको चॉप करना है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा कीमा ऐड करते हैं। कीमे में जो है ना फैट्स भी इसमें हमने ऐड किए हैं, तो कीमा 1 किलो है तो इसमें तकरीबन 20% जो है ना फैट्स हैं। अच्छा, इसके साथ हम बाकी मसाले भी ऐड कर देंगे। सूखा धनिया और ज़ीरा जो है तकरीबन 2 टेबलस्पून है जो कि क्रश्ड है, ये हम इसमें डाल देंगे। चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। काली मिर्च 1/2 टीस्पून, ये चली जाएगी। नमक आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ये हमने इसमें लिया तकरीबन 1 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून जो है गरम मसाला।
धनिया और पुदीना है, यानी कि एक कप एक हाथ भर के ये हमने इसमें ऐड कर देना है। और फिर इसको हमने चॉप कर देना है। नान की फिलिंग जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। वाह, आप देख सकते हैं ये डो कैसी फूल गई हुई है। आप इसके अंदर देखें एरी, ये एरी हो गई है। अब देखिए आपके हाथ पे भी चिपकेगी। 8 to 10 बॉल्स नॉर्मली बनेंगे, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। कटर कोई भी ले लें आप, मेरे पास चूंकि ये है तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। एंड ये देख लें, नेक्स्ट जो है ना, अब जो हमने पेड़े कट किए थे हमने डो को, तो अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। ऑलरेडी हमने कुछ पेड़े कर लिए हैं, बल्कि 11 पेड़े हमने इस पूरे जो है बैच में से निकाले नान बनाने से पहले, तो इसको हम कवर कर देते हैं ताकि इनमें हवा ना जाए तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये हमने डो ले ली है, इसको हमने मैदे में अच्छी तरह इसको करने के बाद इसको थोड़ा बेल लेंगे। हल्के हल्के हाथों से आपने इसको बेलना है, इस तरह बेलने के बाद आप हमने इसमें जो कीमे हमने बनाए थे फिलिंग वो इसमें हमने सेंटर पर रख के और इसको एक साइड से आपने इसको बंद करते रहना है। थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देना है। अच्छा, ये मैंने इसको बेलने के बाद हाथों की मदद से किनारे ऐसे आपने बना लेने। अच्छा, किनारे जैसे बनाने के बाद अब आपने इसको हल्का सा इसको ऊपर पानी लगाना है। ये सेसमी सीड ये हमने इस तरह इसको स्प्रिंकल करके और हाथों की मदद से इसको दबा देना है। मैं इसमें थोड़ा धनिया भी आपको ऐड करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब हमने इसको तेल लगा दिया। अब आपने एक साइड से पकड़ के इसको हमने हल्का सा पानी लगाना है। अब हमने इसको ओवन में रखने से पहले हमने इसको तवे पे अच्छा, अब आप देखेंगे नीचे से इसके कलर आना शुरू हो गया है। अब इसको हमने ओवन में शिफ्ट कर देना है, तो ओवन में डाल दिया। अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ जो है ना हमने इसमें मिस कर दी थी, हमने इसमें निशान लगाने, फॉक से आप निशान लगा लें। अच्छा, हम इसको चेक कर लेते हैं। वाह, ये देखें बड़ा ज़बरदस्त कलर आ गया है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं और इसमें हमने हल्का सा इसको देसी घी लगा रहे हैं। हल्का सा चम्मच से आप इसको जो है ना स्प्रेड कर दें। जबरदस्त, आउट क्लास, चंगा लग रहा है। ग्लेज करने के बाद इसको हम तोड़ते हैं इसको। वाह, जबर, ये देखें कीमा, आप देख सकते हैं कि क्या फीलिंग है। सुभान अल्लाह, इसको अब आप इमली की चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं, या दही की चटनी भी, या दोनों मिक्स करके भी खा लें। मेरी फेवरेट तो इमली की चटनी है। आप ज़रूर ट्राई करें, हाईली रिकमेंडेड है। और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने के मान।